Hello friends! वेलकम बैक फ्रेंड्स हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेके एस एस बी के रिकॉर्डिंग जेके एस एस बी क्लास फोर्थ के लिए जीके के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं ये हमारा पार्ट नंबर इलेवन है जी के का जिसकी कॉन्टीन्यूअसली सीरीज़ चलाई जा रही है और मैथ की भी कॉन्टीन्यूसली वीडियो अपलोडेड होती है वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर भी लास्ट में बताना आपका कितना स्कोर हो रहा है ठीक है जैसे कि आपको पता है गुड न्यूज़ है आज जो जेके एस एस बी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई टेंटेटिवली आपकी जो क्लास फोर्थ की एग्जाम डेट है उसकी मैं बात कर दूं आपकी वो डेट दी है आज की डेट की बात करें तो इलेवन जाना ठीक है यानी है? कि इलेवन जनवरी है इसके कितने डेज अभी बच रहे हैं इसके अभी देखा जाए तो ट्वेंटी डेज हैं आज का दिन तो हो गया ट्वेंटी डेज इसके रिमेनिंग रह गए ट्वेंटी के बाद उसके कितने डेज आ रहे हैं ट्वेंटी डेज आ रहे हैं यानी कि टी डेज अभी आपके पास टाइम है आपको अपनी प्रेपरेशन कैसे प्लानिंग से करनी है कैसे पढ़ना है उसके रिकॉर्डिंग अगर आप वीडियो चाहते होगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए ठीक है वो वीडियो कल तक अपलोडेड हो जाएगी आपको पूरी प्लानिंग के साथ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुली सॉल्व पेपर भी आपके एग्जाम्स तक कराए जाएंगे मॉक टेस्ट आपके कराए जाएंगे जीके हो इंग्लिश हो रीजनिंग और मैथ कंटिन्यूसली आपकी जो वीडियोज हैं वो अपलोडेड होती रहेंगी आप वीडियो को देखते रहें और अपनी जो प्रेपरेशन है वो हार्ड से हार्ड बनाते रहें और वीडियो को अपने फ्रेंडो में जरूर शेयर करें चलिए फ्रेंड्स हम आज की वीडियो में जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करते हैं उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं जे रहा फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या बात की जा रही है व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट बनते हैं उनकी जो मिनिमम एज रहती है वो कितनी रहती है ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव या फोर्टी फाइव इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी थर्टी फाइव इज़ द कुरेक्ट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ठीक है जो ओथ होती है प्रेजिडेंट के ऑफिस में वो कौन एडमिनिस्ट्रेटेड करता है वाइस प्रे... चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियमेंट जो मैक्सिम स्ट्रेंथ है लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियमेंट की वो कितनी है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फाइव फाइव टू इज द कोरेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ वट इज द मिनिमम एज रिक्वायर टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन टू द लोकसभा अगर आपको लोकसभा की इलेक्शन में कॉन्टेस्ट लड़ना है तो आपकी मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव या फोर्टी ट्वेंटी एट का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द कुरेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बट कैन वी द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू कॉन्स्टिक्यूटिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो दो लगातार सेशंस होते हैं पार्लिमेंट के उनमें कितना गैप रहता है थ्री मंथ का सिक्स मंथ का नाइन्थ मंथ का या ट्वेल्थ मंथ का इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी सिक्स मंथ इज़ द करेक्ट आंसर आपको जो इसकी पी डी एफ़ होगी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप पी डी एफ को भी कंप्लीटली देख सकते हो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ़ द आर्म फोर्स जो आर्म फोर्स होती है हमारी इंडियन एयर फोर्स इंडियन नेवी इंडियन आर्मी उनका जो चीफ कमांडर होते हैं वो कौन है चीफ जस्टिस स्पीकर प्रेजिडेंट जन्नाफ अब इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हु वाज द फ़र्स्ट वाइस प्रेजिडेंट इन इंडिया फ़र्स्ट वाइस प्रेजिडेंट कौन थे इंडिया में डॉक्टर राधाकृष्णन कृष्णन बी वी गिरी बी डी जट्टी डॉक्टर एस डी शर्मा इसका जो सही आंसर रहेगा in कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी गुलजारी लाल नंदा जी बीपी सिंह जी चरण सिंह जी इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी गुलजारी लाल नंदा इस दिन चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ अंडर में जरिए से आर्टिकल सेवन थ्री सेवन फोर सेवन फाइव या सेवन टी सिक्स इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर आर्टिकल सेवनटी फाइव इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ विच ऑफ नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इनमें से कौन सा है जो इंडियन पार्लिमेंट का पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या मेकिंग ऑफ पाकिस्तान इसका जो ऑप्शन नंबर डी है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हु एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन एक्ट करता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट लीडर ऑफ अपोजिशन या सीनियर मोस्ट मेंबर इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाइस प्रेजिडेंट इसका करेक्ट आंसर आपको जो इसकी पी होगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी जो आंसर की थी वो मैंने आपको कल की जो पीडीएफ दी थी टेलीग्राम पर वहां पर मिल जाएगी अब मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट आपकी आपके एग्जाम के रिकॉर्डिंग अगर आपको एग्जाम के रिकॉर्डिंग पूरा टाइम टेबल पूरा सिलेबस डिस्कस करके वो मैं तो कर दूंगा ठीक है उसके बाद बात करूं आपको जो प्रेपरेशन रहेगी फुली सॉल्व मॉक पेपर रहेंगे आपके वो कंटिन्यू हो जाएंगे आप चैनल्स के साथ बने रहें आपकी जो प्रेपरेशन है वो हार्ड से हार्ड कराई जाएगी ठीक है आपका जो एग्जाम है वो अच्छा से अच्छा हो और आप एग्जाम को क्रैक कर पाओ ताकि आपकी जो भी अपकमिंग्स डे हैं वो अच्छे से अच्छे आए और आपकी जो जॉब है वो आपकी जोली में पड़े ठीक है अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल भी मिलेगा ठीक है अगर आप में कोई भी अगर नेगेटिव वाइब्स आती हैं तो उनको आप फिलहाल के लिए थोड़ा दूर रखो ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है उसे आप हार्ड से हार्ड बना पाओ इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको इसके रिकॉर्डिंग और भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट या इंपॉर्टेंट जेके एस एस बी रिकॉर्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे आपकी प्रेपरेशन रिकॉर्डिंग चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो इस वीडियो में बस इतना ही